हेलो नमस्कार नमस्कार। इंट्रो पार्ट और बाद के पार्ट बाद में देंगे। अभी ये रथ यात्रा है, इसका वीडियो बना रहे हैं, छोटा सा वीडियो होगा। और साथ में ये मैनेजमेंट सेक्रेटरी हैं रथ यात्रा के। हाय बोल दीजिए। भगवान जी की कृपा है, भगवान जी का ठीक है। जय जगन्नाथ। आज 1 जुलाई, आज के दिन जगन्नाथ जी का रथ निकलता है। इसकी मान्यता और इसकी ज़रूरतें और इसके बारे में तो आप सबको पता ही है। तो वही हमारे गांव में भी निकला, तो इसमें हम शामिल हो गए। शामिल होना चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि उस रथ को खींचने से सारे मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। रथ को मतलब किसी इंजन से या फिर किसी मतलब मोटर वगैरह से नहीं चलता, इसको लोग खींच के ले जाते हैं। इसमें रस्सी बंधी होती है। ख़ासतौर पे तो लकड़ियों का रथ बनाया जाता है, मगर यहाँ पे कुछ अलग ही था। कोई पुराने गाड़ी को इन्होंने रथ में बना दिया, तो ये गांव से दूर कहीं पे जाके रुकेगा कुछ दिनों के लिए। मान्यता है कि मान्यता नहीं, ये तो स्वाभाविक सी बात है। भगवान की किसी आसन को, भगवान की किसी चीज़ को अगर छुआ जाए तो खाली पैरों से ही। तो वही वहाँ पे चप्पल खोल दिए थे जब हम रथ को पकड़ने के लिए आए। अंकल जान पहचान के हैं जो इस रथ के कार्यक्रम को करते हैं, और तो अच्छा था। मन को संतुष्टि मिली, सारे धार्मिक कार्य करने को मुझे किसी न किसी तरह से मौका मिल जाता है, अच्छी बात है। तो वही था कि रथ को घींच के थोड़ी देर तक ले गए सारे लोगों के साथ, सारी जान पहचान की थे। अंकल जो थे उन्होंने रथ को यहाँ पर रुकवा दिया था क्योंकि हम निकलते निकलते थोड़ा वक्त लग गया था घर से। तो पता नहीं चप्पल खोल के बीच रास्ते पे चले गए थे, चप्पल है भी कि नहीं देखते हैं। चप्पल है भी कि नहीं, मुझे तो संदेह हो रहा है कि बीच रास्ते पर रख के चले गए थे, देखते चप्पल। तो आप लोगों को विशेषता पता है, पता तो होनी चाहिए क्योंकि जगन्नाथ पुरी में एक जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ से उनका रथ निकलता है। 3 रथें निकलती हैं शायद से। जगन्नाथ जी जाके अपने मौसी के घर कुछ दिन तक के लिए रुकते हैं, मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं मिस्टेक हूँ। चप्पल तो है, चप्पल कौन चोरी करेगा, चप्पल कोई चोरी नहीं करेगा। तो ये था, यहाँ से किलोमीटर दूर तक गए रथ को खींच के, साथ में लोग भी थे, अच्छा लगा। और अब सबसे अनुरोध है, व्यू टाइम बहुत कम आ रहा है क्योंकि मैं डेली वीडियो बना भी नहीं पा रहा हूँ, और कंटेंट पे मैं थोड़ा देता हूँ कि कंटेंट कुछ अच्छा हो, क्योंकि ऐसा वैसा वीडियो बना के क्या फ़ायदा होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगती हो किसी भी कारण से तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मोटर ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करूँगा, यानी कि टेक्निकल चीज़ें या फिर जो भी हो
तो साथ देते रहिए। लाइट कुछ कम आ रहा है क्योंकि अगेंस्ट सन हूँ। तो अब तक का ये वीडियो था। अगर पीछे देख पा रहे हो बुरी तरह की बारिश फिर से आ रही है, बहुत भयानक वाली बारिश आ रही है। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और जय जगन्नाथ। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go.